स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 23 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एम्स दिल्ली से स्वस्थ होकर शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बजट सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एम्स नई दिल्ली से छुट्टी मिलने के उपरांत दोपहर बाद शिमला पहुंचे। वे आईजीएमसी शिमला के बाद गत शुक्रवार से नियमित जांच के लिए एम्स में भर्ती थे। शिमला पहुंचने पर अनाडेल में मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता इत्यादि मौजूद रहे। शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों से बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। कुल्लू में 34,540 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक, डीसी आशुतोष गर्ग। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यक्रम के अनुसार जिला में आगामी 27 फरवरी को सघन पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिला के 0 से 5 साल आयु के 34,540 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 3,073 गाँव है, जिनमें कुल 95,751 घर है। पिछले साल 35,917 बच्चों को पोलियो खुराक उपलब्ध करवाई गई थी। सियासत, आनंद शर्मा के हिमाचल दौरे से बड़ी सियासी हलचल, सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश के दौरे से नई सियासी हलचल पैदा हो गई है। राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सक्रिय हो गया है। मंगलवार को आनंद शर्मा का दून के मांडला में जोरदार स्वागत हुआ। इसके अलावा बद्दी, नालागढ़ और बसाल में भी उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिमला के मूल निवासी आनंद शर्मा कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेताओं में शुमार है। सोलन में जनसभाओं के बाद 24 को शिमला के कलेस्टन में समुदाय केंद्र और मसोबरा वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करेंगे। बजट सत्र के दौरान गूंजेंगे 1069 सवाल, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सदन रहेगा हंगामेदार। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र से पूर्व विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज व माकपा विधायक राकेश सिंह शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 13वीं विधानसभा का 14वां सत्र में 16 बैठकें होगी। बजट सत्र में 1069 प्रश्न आए, जिसमें से 722 तारांकित जबकि 347 अतारांकित प्रश्न है। 3 मार्च व 10 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा। उन्होंने बताया कि नियम 130 के अंतर्गत 5 सूचनाएं मिली है। 4 मार्च को सदन में सीएम जयराम ठाकुर सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान कोविड से बचाव के लिए एसओपी का पालन किया जाएगा। विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर एक की थर्मल स्कैनिंग होगी। दर्शक दीर्घा में 50% की क्षमता से ही पास जारी किए जाएंगे। सदन में गतिरोध ना हो, इसके लिए सर्वदलीय बैठक की गई है। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल में बड़ा हादसा, अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, माँ बेटी समेत 6 महिला कामगार जिंदा जली, 14 झुलसे। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत बाथू में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे विस्फोट होने से माँ बेटी समेत 6 महिला कामगार जिंदा जल गई, जबकि 14 अन्य झुलस गए हैं। गंभीर घायल 11 कामगार पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किए गए, जबकि 3 का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। घायलों में 12 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 286, 304 एब एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ऊना अग्निकांड मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी जयराम सरकार, 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के अरोली उपमंडल के बाथू में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल रात व पुनर्वास प्रदान करने के साथ दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने इस दुख हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की और पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को
विशेष संदेश भाग के माध्यम से 15,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार ऊना अस्पताल में भर्ती 3 घायलों को 5,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच मंडलायुक्त के माध्यम से करने और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को किराए पर भूमि देने के मामले की भी जांच की जाएगी। जयराम ठाकुर ने मृतकों की आत्मा की शांति तथा पीड़ित परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुझे इस बात का दुख है कि जिला ऊना के बाथरी नामक स्थान पे एक इंडस्ट्री में आग लगने के कारण से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 12 के करीब जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं। ये जो इंडस्ट्री है जो किसी प्राइवेट लैंड में थी, इस इंडस्ट्री की ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही इन लोगों ने किसी प्रकार का लाइसेंस लिया है। विभाग को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग इसमें जिम्मेवार हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। FIR लॉज हो गई है, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि जो इस इंडस्ट्री को चलाता था वो फरार है, लेकिन पुलिस ने इस बात का आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र उन लोगों को पकड़ा जाएगा और जो भी कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर करनी है उसको अति शीघ्र हम करने की कोशिश करेंगे। बड़ा फैसला, हिमाचल में NPS में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन। हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारियों को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। नई पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने या दिव्यांग होने की स्थिति में पुरानी पेंशन की तर्ज पर इसे दिया जाएगा। ये आदेश राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जारी किया है। NPS कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। केंद्र सरकार ने इस प्रावधान को वर्ष 2009 में लागू कर दिया था, अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेशों के प्रति सभी विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से SOS की परीक्षा मार्च में। बोर्ड ने बनाए 224 परीक्षा केंद्र। मार्च में संचालित होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय SOS की परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 224 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाएगी। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षाओं के लिए राजकीय और निजी विद्यालयों को केंद्र के रूप में सृजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक करीब 224 परीक्षा केंद्रों को बनाया गया, जिसमें से 87 निजी जबकि 137 सरकारी स्कूल स्थापित किए गए हैं। सोलन में आनंद शर्मा बोले, इतिहास को बदलकर पेश कर रही है भाजपा। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भाजपा पर तीखे वार किए हैं। मंगलवार को दून के मंदाला और नालागढ़ के पंजहेरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा इतिहास को बदलकर पेश कर रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो अंकित है उसे नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में अमृतोत्सव मना रही है। भाजपा 2014 से केंद्र की सत्ता में आई है, इससे पूर्व की सरकार ने देश के निर्माण के लिए जो भी किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हिमाचल में कोरोना से 8 संक्रमितों की मौत, 271 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 271 नए कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। मंडी जिले के 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन में एक एक की मौत हुई है, जबकि ऊना में 2 संक्रमितों की जान गई है। प्रदेश में अभी तक 4,087 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 6,135 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 271 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 365 ने महामारी को मात दी है। राज्य में अब तक कोरोना सक्रिय मामले 1528 रह गए हैं। इंसानी बाजू लेकर घूम रहे कुत्ते ने लाश के पास पहुंचा दी पुलिस, झारखंड निवासी का था शव। सोलन के खुंडीधार में मिले शव की पहचान कर ली गई है। जिस व्यक्ति का शव बरामद किए गए वे झारखंड के 43 वर्षीय बुद्ध राम का। बुद्ध राम पिछले कुछ दिनों से गुमशुदा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि मृतक की गुमशुदगी को लेकर पत्नी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जहां पर बुद्ध राम का शव बरामद किया गया, वहीं आसपास भी काम करता था। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र के लिए कांग्रेस भाजपा ने बनाई बार पलटवार की रणनीति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए विपक्ष और सत्तापक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। एक ओर हॉलीडे होम में विपक्ष ने बजट सत्र में जयराम सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो दूसरी ओर
मंगलवार शाम 7 बजे के बाद सत्तापक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जवाबी कार्यवाही की योजना तैयार की। इस बैठक में सत्तारूढ़ दल भाजपा के अधिकतर विधायकों ने सीएम को आश्वस्त किया कि विपक्ष के न्यायालय पर दैला फेंका जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मंत्रियों को तैयारी कर जवाब देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के सवाल के जवाब हो या चर्चाओं के उत्तरों, सबके जवाब संभल कर दिए जाए। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटो में भाजपा विधायक दल की बैठक में समझाया कि स्वाभाविक रूप से चुनावी वर्ष में विपक्ष और ज्यादा हंगामा कर सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पहले दिन ही शोर शराबा और हंगामा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस पर मंत्री और विधायकों ने विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति बनाई। इंडियन कंपनी की नई सुविधा, लोगों को मिलेगा ब्लास्ट नहीं होने वाला हल्का और पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लोगों को अब गैस एजेंसियों की ओर से हल्का और पारदर्शी घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। इंडियन कंपनी के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर गैस सिलेंडर मिलेगी। 10 किलो के इस गैस सिलेंडर के लिए लोगों को 658 रुपए खर्च करने होंगे। मैनेजर एलपीजी सेल्स शिमला आयुष गर्ग ने इस बात की पुष्टि की है। आईओसी और खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों की मौजूदगी में मंगलवार को खलीने में इस गैस सिलेंडर को लॉन्च किया गया। विभाग का दावा है कि ये गैस सिलेंडर जलने पर ब्लास्ट नहीं होगा बल्कि आग लगने पर पिघल जाएगा। इससे यहाँ जान का खतरा कम होगा। सिलेंडर पूरी तरह से पारदर्शी होगा। गैस सिलेंडर कितना उपयोग किया गया है इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा ये गैस सिलेंडर लाल गैस सिलेंडर के मुकाबले बहुत हल्का होगा। सिलेंडर के खाली होने के बाद इसका वजन 6.3 किलोग्राम होगा। इस गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी लोगों को 3,350 रुपए चुकानी होगी। वेदर अपडेट। कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, अटल टनल से पर्यटकों की आवाजाही पर रोक। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मंगलवार को रोहतांग दर्रा समेत लाहौल के ऊंचाई वाले कई भागों में बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे। शिमला में मंगलवार को इस माह का सबसे अधिक 18 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 26 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। उधर सैलानियों के लिए अटल टनल रोहतांग से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा बारालाचा में 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज हुई है। प्रदेश में अभी भी 83 सड़कें बंद पड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और बिजली गरजने का अलर्ट जारी किया गया है। शादी समारोह से लौट रही कार खाई में गिरी, चालक की मौके पर मौत। डरोर तत्तापानी सड़क पर पंडार के समीप शादी समारोह से लौट रही एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत होगी जबकि एक बच्चे समेत 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 महिलाएं शामिल है जिनमें से एक मृतक की पत्नी है। घायलों को नजदीकी CSC रोहाणा में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। मृतक चालक की पहचान इंद्र सिंह पुत्र खेमराज निवासी पंडार के रूप में की गई है जबकि घायलों में मृतक की पत्नी कांता देवी ढोला राम निवासी कनौन, प्रभा देवी पत्नी ओम प्रकाश निवासी अपर पडार और प्रभा देवी की बेटी रूई शामिल है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो आप इस चैनल EN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पर आप हमारे पेज EN हिंदी को फॉलो और लाइक करना ना भूले। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से, आप अपने जिले का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।